शहडोल में बाघ के हमले से 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। दादी और बहन के साथ ये बच्ची खेत पर गई थी जहां बाघ ने हमला कर दिया। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र का यह मामला बाघ के हमले से एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बाघ के हमले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। एक और हमला जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र से सामने आया जहां 9 साल की बच्ची पर हमला किया बाघ ने और बच्ची की मौत हो गई। टोल में इसमें करीब 20 से 25 बाघों का मूवमेंट है और जो कि वनमंडल सांची टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच का एरिया है, तो वहाँ कंटिन्यूस मूवमेंट वाइल्ड लाइफ का बना ही रहता है। कल जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें बाघ ने बालिका का शिकार किया था लेकिन उसे खाया नहीं था, संभवतः शायद वो धोखे से शिकार किया गया है क्योंकि वहाँ पे वो मूवमेंट जो उसका हो रहा है उसमें मवेशी बेशिकार ही खबरें आई थी आज तक। फिर भी एहतियात के तौर पे हमने कैमरा ट्रैप वहाँ इंस्टॉल करे हैं, साथ ही साथ लगे हुए क्षेत्रों में भी गश्ती बढ़ा दी गई है। इसको जागरूकता को लेकर के लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हाथी मूवमेंट भी काफ़ी रहा है, इसलिए लगातार मीटिंगें होती हैं लोगों की जहाँ उनको सुझाव दिए जाते हैं, समझाइश भी दी जाती है कि वो क्या करें कि जो है कम से कम कॉन्फ्लिक्ट का इशू पैदा हो ताकि ऐसी घटनाएं जनहानि की जन घायल की ना हो। तो ये बड़ी खबर, दादी और बहन के साथ ये बच्ची खेत पर गई थी, यहाँ पर और शहडोल संवाददाता अजय नामदेव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जैसा कि हमने सुना भी है डीएफओ जो है साहब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर करीब 20 से 25 बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और लगातार बाघ के जो हमलों की खबरें हैं, जो आतंक है वो भी बढ़ता जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बाघ के हमले के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बाघ के हमले की घटना सामने आई है। एक 9 साल की बच्ची अपनी दादी अपने परिजनों के साथ खेत काटने गई थी। इनके परिजन जो है वो खेत वन परिक्षेत्र से लगा हुआ खेत काट रहे थे, बच्ची खेत में खेल रही थी। इसी दौरान अचानक बाघ जो है बच्ची के ऊपर हमला करते हुए उसको घसीटते हुए ले गया परिजनों के सामने और बाघ के हमले से बच्ची 9 साल की बच्ची की पूनम की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान जो है परिजनों ने हो हल्ला किया, तब जाके बाघ जो है बच्ची को छोड़कर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बच्ची की मौत हो गई है। इससे बाघ के हमले से बच्ची की मौत के बाद जो है क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ये इस तरह की घटना पूर्व में भी सामने आई है। कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही का नतीजा है क्योंकि कई दिनों से बाघ का मूवमेंट उस रिहायशी इलाके में देखा जा रहा था। लोगों ने इसकी जानकारी वन अमले को दी थी, इसके बावजूद वन विभाग जो है समय पर ध्यान नहीं दिया, जिससे एक बड़ी घटना सामने हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। तो देखिए, वन विभाग की लापरवाही तो निश्चित तौर पर इसे माना जाएगा क्योंकि बाघ का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है और ये बात खुद डीएफओ भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, ये एक बड़ी लापरवाही। और उसके बाद देखिए लगातार ग्रामीणों पर हमले की खबरें बढ़ती जा रही है।